नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेटजी पीसीएस में। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाया था उसमें जो है यूपी पीसीएस प्री के संबंध में जो भी स्ट्रेटजी थी मैंने शेयर किया था, और साथ ही करंट अफेयर की मैंने स्ट्रेटजी बताई थी। तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है और मुझे आशा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा उससे बेनिफिट मिला होगा। और इसी के क्रम में जो है मैंने जो है सीसेट पे एक वीडियो सोचा है बनाने के लिए, और ये इसका मेन मकसद यही था कि कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीसेट वीडियो की मांग की थी। साथ ही जो है दोस्तों ये देखा गया है कि सीसेट में काफ़ी बच्चे फेल हो जा रहे हैं। कई कई ग्रुप में मैंने देखा है कि वो बच्चे जो है सीसेट को हल्के में लेते हैं और पढ़ते नहीं हैं, जीएस पे ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। जीएस पास हो जाते हैं आसानी के साथ में, बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। कई मैंने मेंस जो दिए हुए स्टूडेंट हैं उनको भी देखा है, वो मेंस जो है दिए हुए हैं लेकिन जो है जब नेक्स्ट टाइम में उन्होंने प्री दिया तो उनका जीएस तो अच्छे मार्क्स थे, बट जो है उन्होंने सीसेट को इग्नोर करने के कारण वो सीसेट में फिर से डिस्क्वालीफाई हुए। तो अगर आप नए एस्पिरेंट हैं या जो है आप जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं पीसीएस का, तो इसमें आप सीसेट को हल्के में नहीं लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि सीसेट का जो ट्रेंड इसमें बनाया जा रहा है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए जा रहे हैं आयोग द्वारा, तो इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप इसको जो है इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के बच्चे कहीं ना कहीं जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो रीजनिंग और मैथ के होते हैं उनसे सही कर लेते हैं, और साथ ही हिंदी थोड़ा बहुत उनको आती है तो पास कर जाते हैं। बट अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, आपकी मैथ और रीजनिंग थोड़ा वीक है, तो आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे और जीएस में अच्छा परफॉर्म कर दिए और सीसेट में अगर आप फेल हो गए, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट वो जो है एडवांटेज उठाना पड़ेगा। तो इस वजह से आप सीसेट को इग्नोर मत करें, इसको सीरियसली लें, और अगर हफ्ते में आप एक दो बार इसको पढ़ाई करते हैं तो कम से कम एक दो बार ज़रूर पढ़ें, ठीक है। जीएस के साथ साथ इसको भी टाइम दें, इसमें भी एक थोड़ा सा अगर आपका आपको लगता है कि सीसेट आप नहीं कर पाएंगे तो आप इसको टाइम दें, क्योंकि सीसेट जो है बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभा रहा है प्री पास करने में, अगर आपका जीएस अच्छा हो जा रहा है तो। अगर आप सीसेट को टाइम नहीं दे रहे हैं तो आप जो है बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे। तो जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं दोस्तों कि आप सीसेट को पढ़ें, बहुत ज़्यादा टाइम ना दें बट थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको अंत समय में दुख ना हो अगर आप जीएस पास हो जाएं तो, क्योंकि अंतिम में होता यह है कि आप जीएस पास कर जाएंगे और कहीं सीसेट में फेल हो गए बहुत ज़्यादा दोस्तों पछतावा होता है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया कि आप आसानी के साथ कैसे जो है सीसेट को पास करें। मैंने हमेशा से सीसेट को पास किया है, बहुत अच्छे नंबर पास किया, 190-198 मतलब बिना पढ़े मेरा हो जाता है। बस मैं संप्रेषण देखता हूँ, क्योंकि संप्रेषण जो है अगर हम अंतिम के 5-6 दिनों में या 10 दिनों में उसका 4-5 वीडियो है यूट्यूब पे उसको देख लेते हैं, और साथ ही यूथ पब्लिकेशन में संप्रेषण दिया हुआ है उसको पढ़ लेंगे, तो आसानी के साथ अगर आप 25 के 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो आपका 15 क्वेश्चन आसानी के साथ दोस्तों सही हो जाता है, ठीक है। मतलब बहुत ही कम एफर्ट से आप जो है सीसेट को पास कर सकते हैं, क्योंकि संप्रेषण और डिसीजन मेकिंग वाला जो ये सेक्शन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, संप्रेषण और डिसीजन मेकिंग यहाँ से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं पूरा वीडियो इसी पे मेरा जो है फोकस रहेगा कि किस तरीके से सीसेट की स्टडी बनाई जाए और इसको आसानी के साथ पास किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सोर्स की बात करूँगा कि आपको कौन सा सोर्स पढ़ना है। तो इसमें यूथ पब्लिकेशन की आती है, जो आप यूपी पीसीएस वो पीवाईक्यू की प्री खरीदेंगे तो उसी में ही जो है पीछे सीसेट का दिया हुआ होता है, पूरे कई वर्ष के पेपर दिए हुए होते हैं, तो वहाँ से आपको सीसेट के सारे पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरा आप घटना चक्र का भी सीसेट का खरीद सकते हैं, उसमें भी जो है काफ़ी अच्छा दिया हुआ, तो मैं यूथ को ही प्रेफर करूँगा, तब यूथ परचेज करें और इसी से अपनी स्टडी बनाएं और धीरे धीरे जो है जीएस के साथ साथ सीसेट की भी तैयारी करें, ठीक है। और यही दो सोर्स रहेगा, आप जो भी आपको मार्केट में बेहतर लगता है आप उसको जाकर देख सकते हैं, उसको आप परचेज करेंगे। अब मैं बात करूँगा कि इसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं सीसेट में। अगर आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो आपको मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें सबसे पहले दोस्तों इसमें हिंदी है, ठीक है, कौन कौन से पोर्शन है उसको मैं बता दे रहा हूँ। हिंदी है, अंग्रेजी है, रीजनिंग एंड मैथ है, और संप्रेषण है। तो आपको जो है अगर आपका ओवरऑल सब कुछ ठीक है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दो बार तीन बार भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जिनको लगता है कि हाँ थोड़ा हिंदी वीक है उनकी और अंग्रेजी भी थोड़ा वीक है, और तो थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, या किसी की हिंदी स्ट्रांग है या रीजनिंग मैथ वीक है, तब भी आपको दोस्तों दिक्कत हो सकता है। और ये मैंने देखा भी है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा बच्चे आप देखेंगे सीसेट में वो जो है एक दो नंबर से रह जाते हैं हर बार, और बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, तो आप ऐसी गलती ना करें, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और चूँकि आप मेरे अगर सब्सक्राइबर हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप जो है पीसीएस का जीएस पास करके सीसेट से बाहर हो जाएं। तो देखिए इसमें जो है मैं स्टडी बताऊँगा कि जैसे इसमें हिंदी आता है फ्रेंड्स, तो हिंदी में 25 क्वेश्चन, अगर आपकी हिंदी दोस्तों स्ट्रांग है तो इसको और अच्छे से स्ट्रांग बनाएंगे आप, ठीक है।
और इसको पढ़ेंगे कैसे, तो जो भी PYQ आया हुआ है अभी तक, अब ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, जो भी PYQ अभी तक UPPCS आयोग ने कराया हुआ है जितने भी वर्ष के, आई थिंक 2012 के बाद या 11 के बाद से सीसेट का पेपर हो रहा है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी रीजनिंग मैथ सॉरी हिंदी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जितने भी हिंदी क्वेश्चन आए हुए सब आप देखेंगे कि किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये नहीं कि आप हिंदी उठाएंगे पूरा हिंदी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपको। आपको देखना है कि पर्यायवाची से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पर्यायवाची के सेक्शन जो भी क्वेश्चन जैसे जो भी आयोग कराता है, जैसे RO ARO में पर्यायवाची आती है, तो आप पर्यायवाची जो भी आयोग में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वहाँ से तैयार करेंगे। फिर आप देखेंगे और क्या क्या आता है हिंदी में ही, तो उसको आप तैयार करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा आप जो है वर्तनीय शुद्धि तैयार करेंगे, तो इसमें जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन कौन सा सेक्शन आता है, आप खुद जाके इसको देखिए अभी कि हिंदी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, वही वही चैप्टर आपको तैयार करना है, ठीक है। और हिंदी अगर आपकी अच्छी है थोड़ा और स्ट्रांग बना लीजिए आप। मैं खुद जो है दोस्तों 25 में से मेरे आसानी के साथ हमेशा 22 से 23 सही हो जाते हैं, क्योंकि मैंने RO का भी मेंस दिया हुआ है, तो वहाँ भी मेरे हिंदी काफ़ी, उसी वजह से मेरी हिंदी काफ़ी स्ट्रांग हुई थी। तो आप भी जो है आसानी के साथ इसमें जो है 25 से 22 से 23 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है तो इसको और स्ट्रांग बनाइए, और अगर आपका हिंदी मीडियम नहीं है, आपका इंग्लिश मीडियम, तो आप इस सेक्शन को स्ट्रांग बना सकते हैं। यहाँ से आप 15 में से 12-13 सही कर सकते हैं, जैसा भी आपका कंफर्टेबल जोन हो उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे। तब आप यहाँ पर थोड़ा कम मेहनत भी करेंगे, क्योंकि यहाँ से आप बैलेंस कर लेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप आसानी के साथ पास करेंगे। मैंने इंग्लिश कभी नहीं पढ़ा है, तो आप केवल इसी पे फोकस्ड हो, क्योंकि आपको दोस्तों पास करने के लिए केवल 33 मार्क्स चाहिए, ठीक है। कितना 33.33 मार्क्स, 34 से 35 क्वेश्चन मात्र सही करने होते हैं आपको, तो इतना आप आसानी के साथ कर लेंगे फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है, यहाँ आपने जो है 20 क्वेश्चन भी सही कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ जैसे आप पूरा इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं, पूरा मत पढ़ें आप, जैसे इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव आता है कुछ ग्रामर पोर्शन, तो उसको तैयार कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन आता है वहाँ से, सो 2 से 3 क्वेश्चन ही मैं कह रहा हूँ, और थोड़ा सा पैरा का आता है उसमें छाटना होता है कौन सा आंसर होगा। आप मान लीजिए यहाँ से 3 भी सही कर लीजिए, अगर आप नहीं भी पढ़ते थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे या छोड़ भी देंगे तभी आप 3 सही करेंगे, मतलब इतना ईजी होता है, आप बस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, 20 यहाँ सही करेंगे, 3 यहाँ आपका सही हो जाएगा। मैं हिंदी मीडियम वाले की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। साथ ही रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग मैथ आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, इसमें आपको प्रैक्टिस में कोई मैथ की बुक नहीं पढ़ना उठा के, या आप मैथ की बुक कोई उठा के सीजीआर की या कोई अन्य उसको पढ़ने बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं करना आपको। आपको बस जो भी आयोग द्वारा क्वेश्चन कराया गया है, ठीक है, रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस रहना, क्योंकि रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन, मैंने देख लीजिए दोस्तों यहाँ से 25 क्वेश्चन आए हुए हैं 2023 में, आप उठा के देखें तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग से आए हुए हैं, तो रीजनिंग बहुत बेसिक आती है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है, बट फिर भी बच्चे डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं और इनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिंदी और संप्रेषण में वो पीछे रह जाते हैं, और कितना भी आपका रीजनिंग मैथ अच्छा हो तो आप जो है पास नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा बहुत ओवरऑल जो है ठीक होना चाहिए आपका सब्जेक्ट। तो अगर आप रीजनिंग और मैथ में आप कितने भी वीक होंगे तब भी आप यहाँ से कितने क्वेश्चन सही करेंगे, 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सही करेंगे ही करेंगे फ्रेंड्स। तो आप देख लीजिए 20, 10, 30, 33 ऐसे ही आप पास कर जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ आप पास कर जाएंगे। और संप्रेषण में फ्रेंड्स जो है बहुत ही ज़्यादा ये इजी होता है, आप जो है बस इसका 4 से 5 वीडियो बेसिक देखिएगा, साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसमें नए क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं, तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी को बस थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज कर करके दे रहा है, क्योंकि बनाएगा क्या क्वेश्चन, जो आया हुआ वही आएगा। तो संप्रेषण में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं, बस किस तरीके से एक दूसरे से टॉकिंग की जाती है ऑफिशियल अन ऑफिशियल, बस वही क्वेश्चन होता है इसमें, थोड़ा सा आप देखेंगे तो हो जाएगा, थोड़ा डिसीजन मेकिंग का होता है तो वो भी आप कर पाएंगे आसानी के साथ। तो संप्रेषण आप अपना स्ट्रांग कर लेंगे तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ से जो है 15 क्वेश्चन आराम से आप सही कर सकते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स आप आसानी के साथ 50+ क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं बिना ज़्यादा किसी एफर्ट के, ठीक है, तो ऐसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं तब। बाई द वे मान लीजिए अगर जो है आपका जो है हिंदी वीक है, फिर भी आप जो है हिंदी में थोड़ा बहुत सही करेंगे, 5 सही करते हैं, और अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है तो आप मैथ को स्ट्रांग करिए यहाँ पे। अगर आप यहाँ 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आसानी के साथ 25, अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है तो यहाँ 25 आप बहुत ही आसानी के साथ सही करेंगे, जिनकी हिंदी वीक है मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 25 और 5 यहाँ हिंदी में सही करेंगे, 25, 35 और 3 यहाँ इंग्लिश में सही करेंगे, और ये 33 हो जाएगा, बाकी संप्रेषण में 10 सही करेंगे। तो आप दोस्तों अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो है इसमें आप अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करेंगे। अगर आपका हिंदी वीक है तो आप हिंदी में थोड़ा कम मेहनत करेंगे, आप अंग्रेजी को स्ट्रांग करेंगे और रीजनिंग और संप्रेषण को पढ़ेंगे। अगर आपकी अंग्रेजी जो है स्ट्रांग हो, हिंदी अंग्रेजी वीक है तो आप हिंदी को अच्छे से स्ट्रांग करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है।
अगर आपकी आपका सब कुछ सही है तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आसानी के साथ जो है जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती नहीं है। मैंने ये वीडियो बेसिकली जो है जो बच्चे वाकई में जैसे कभी कभी इसको ध्यान नहीं देते हैं, यही रीज़न है कुछ इस सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं पास हो जाएंगे। आप देखते होंगे यूपीएससी वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे सीसैट में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो बहुत ही टफ आता है, यहाँ पर उतना टफ नहीं होता है। तो इस वजह से आप सीसैट को हल्के में नहीं लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप जो है इसका जो मैंने सोर्स बता दिया है, यूथ खरीद लेंगे आप, उसमें जो भी PYQ आया हुआ वही करेंगे, और हिंदी के लिए जो भी RO AR में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं इसमें आपके सीसैट में, वहाँ से आप उसको PYQ को कंप्लीट करेंगे। कोई बुक नहीं पढ़ना आपको कि आप उठा के हिंदी का बुक पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप बहुत ही आसानी के साथ जो है सीसैट को पास कर लेंगे, ठीक है। और जो है अंग्रेजी में अगर आप कंफर्ट हैं तो आप अंग्रेजी का जो है थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका सीसैट रुकेगा। तो फ्रेंड्स ये था सीसैट का वीडियो, और अभी जो भी और क्वेरी प्राप्त हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में, वो जो सेपरेट वीडियो के लिए कि किस तरीके से साइंस के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 2 दिन से अभी थोड़ा व्यस्त होने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। और बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड्स जो है आपने मेरे चैनल को प्यार दिया है, तो यही आशा है मुझे कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और साथ ही चैनल को और शेयर करिए, जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको जोड़िए ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले, और मैं इसी तरह से आपको वीडियो आपके लिए तैयार आता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।